दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपट लाल की शादी की स्टोरी में जैसे सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये पोपट लाल का सपना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये पोपट लाल का सपना नहीं है तो ये बात भी बन जाती है कि पोपट लाल की शादी किसी न किसी वजह से कैंसिल हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, इस बार वो क्या रीजन हो सकता है, तो उसके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा हिंट प्रीवियस एपिसोड में बताया गया है। तो उसमें दो चीजें बताई गई हैं। एक तो ये बात बताई गई है कि जो सगाई का मुहूर्त है वो 8:30 से 9 के बीच में ही है, अगर तब नहीं हुई तो फिर 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। और दूसरी बात ये बताई गई है दोस्तों कि मधुवाला के फादर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उन्होंने एक बात अपनी जबान दे दी तो वो उससे कभी नहीं हटेंगे। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है या फिर ये प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि 8:30 से 9 बजे के बीच में जो ये सगाई का जो कार्यक्रम होना है ये शायद ना हो पाए, लेट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो लड़की के फादर है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जबान के पक्के हैं। अगर उन्होंने जबान दे रखी है कि 8:30 से 9 बजे के बीच में ही सगाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर ये सपना नहीं है, रियलिटी है, तो ये वाली चीज काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी हाँ दोस्तों, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, और वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक भी नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।